अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 जनरल साइंस। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5, न्यू चैप्टर है। इसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। मतलब हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। अब हम इसको भी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट रिएक्शन वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपाउंड्स आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल बना है। आपके बुक में दो एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, दूसरी है नेचुरल गैसेस। बर्निंग ऑफ कोल मतलब कार्बन, ये जो इसको जो बर्न किया जाता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये बनाती है एक न्यू कंपाउंड, उसको कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। ओके, ये ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं और ये एक मॉलिक्यूल है कार्बन का, ये जब आपस में मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अच्छा देखें, जो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं कंपाउंड्स, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू चीज़ बनती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, हमारे पास रिएक्टेंट्स है, जो न्यू चीज़ बनी है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में एक चीज़ कॉमन है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती है दुनिया में, वो सब उस सब की प्रॉपर्टीज़ रिएक्टेंट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यानी कि जो कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, किसकी, किससे मुख्तलिफ होगी, प्रोडक्ट से मुख्तलिफ होगी। अब इधर देखें, केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। अब आप आगे आपके पास है नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस में मीथेन सबसे पहले होता है, मीथेन ही कहते हैं इसको, और भी इसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं इथेन, इथाइन, ये हम क्लास 10th में जाके पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, मीथेन है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मॉलिक्यूल्स। ओके, अब इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं। CH4 है, यानी कि C के साथ H4। H4 का मतलब है चार इसके बॉन्ड्स हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन दो है, और O2 मतलब एक मॉलिक्यूल्स और दूसरा मॉलिक्यूल। ओके, अब इसमें रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों देखें, आगे आ जाके आपने केमिस्ट्री भी पढ़नी है और ये सारा केमिस्ट्री पे बेस करता है आपका चैप्टर, जो केमिकल रिएक्शंस है। सबसे पहले देखें, ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, CO2। तो हम इधर लिख सकते हैं CO2। ओके, अब आके देखें, फिर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या करेगा, एक आइटम सबसे पहले ये वाला आइटम अटैक करेगा किसके ऊपर, इस हाइड्रोजन के ऊपर और इस हाइड्रोजन के ऊपर। ये दो मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगा तो क्या बना देगा, H2O। अब ये वाला आइटम है ऑक्सीजन का, ये भी अटैक करेगा किसके ऊपर, ये दो हाइड्रोजन के ऊपर, ये क्या बना देगा, एक नेक्स्ट H2O। अब हम इसको लिख सकते हैं 2H2O, तो हमने लिख दिया 2H2O और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड साथ बना। नेक्स्ट देखें, वाटर की एग्जांपल है, हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिलेंगे और ये वाला मॉलिक्यूल्स बनेगा तो क्या लिखेंगे हम, 2H2O। इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, वाटर, एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 2H2O। नेक्स्ट देखें, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब टू मेक, क्या बनाते हैं, लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनती है, फूड बनती है, प्लांट्स बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और वाटर आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, सनलाइट और क्लोरोफॉर्म की मौजूदगी में ग्लूकोज बनेगा और साथ बनेगा ऑक्सीजन। अच्छा देखें, यहाँ पे एक ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था जिसमें ग्लूकोज बन रही है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पायरेशन का प्रोसेस, इसमें क्या है, ग्लूकोज ब्रेक हो रही है, ग्लूकोज ब्रेक होकर ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो दोबारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बनेगा। अच्छा देखें, यहाँ पे 6H12O6 है, यानी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, ये किस तरह से ब्रेक होता है और साथ में एनर्जी भी इधर प्रोड्यूस होती है। आपके बुक में इधर लिखा हुआ है एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज, जब हम खाना, जो हम खाना हमने खाया होता है वो ब्रेकडाउन होती है, उसके नतीजे में हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब हम देखते हैं किस तरह से ब्रेक होती है। C6H12O6 है, C6 का मतलब क्या है, कार्बन के 6 बॉन्ड्स हैं, 3, 4, 5, 6। ओके, H12O6 इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है, ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, वैसे ही हम नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ेंगे OH।
अब जहाँ पे OH है उसके आगे H, OH, H, H. अब इसको काउंट करें, C6H12O6, C कार्बन, 6 कार्बन के बॉन्ड्स हैं, O6 का मतलब है O, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ओके, ऑक्सीजन कितने हैं? 6 हैं हमारे पास, और हाइड्रोजन कितने हैं? 12. अब जब ऑक्सीजन आएगी ये इसको ब्रेक डाउन करेगी, जब ब्रेक डाउन करेगी ये इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी. तो इस तरह से जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन आके ब्रेक करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन बनेगी और साथ हमें एनर्जी मिलेगी. तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, नेक्स्ट मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.